नमस्कार दोस्तों, देरी के लिए माफ़ी चाहेंगे और आज आपका सबका यहाँ स्वागत है और आपके बीच में हमारे पूर्व सांसद वरिष्ठ नेता श्री संदीप दीक्षित जी हैं। वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर अपनी बात रखेंगे, उसके बाद हम इसी मुद्दे पर क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। श्री संदीप दीक्षित जी नमस्कार। मैं पिछले कई वर्षों से, खासकर 2018-19 से जो आम आदमी पार्टी के काम रहे हैं दिल्ली पे, उस पर अक्सर अपनी बात रखता रहा हूँ, अपनी टिप्पणी देता रहा हूँ। और मेरे हिसाब से जो सरकार की गंभीर और वैसी नाकामियाँ हैं उसको उजागर करता रहा। धीरे धीरे समय निकला और आम आदमी पार्टी ने आप अपने जो भी उसको समझ थी उसकी काम की, उसको एक नई तरीके से नए नए नाम देकर, जिसको विशेषकर आजकल एक बड़ा नाम चलता है जिसको मॉडल कहा जाता है, उस नाम पर उसने अपनी बातों को अक्सर लोगों के बीच में डालने की कोशिश की। तो मेरा संवाद चला, हमने कोशिश की, पार्टी से भी बात हुई कि नहीं जो चल रहा है। देखिए, एक होता है कि चलिए थोड़ा बहुत आपकी उपलब्धि है उसके बारे में आप डींगे मार लीजिए, लेकिन जब ये दिखता है कि सरासर ऊपर से नीतिचक जो चीज़ कही जाती है वो या तो झूठ होती है या किसी दूसरे के काम पर आधारित होती है, तो दायित्व बनता है उस बात को सामने उसका उजागर करने का। और इसलिए आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसका जो शिक्षा का मॉडल है, जो खासकर जो जिसे कहते हैं उनके सबसे ओपनिंग बैट्समैन जो होते हैं वो शिक्षा की बात करते हैं, उस पर मैं कुछ तथ्यों के साथ असली हकीकत दिल्ली की रखना चाहता हूँ। पहली चीज़ जो जिसके बारे में ये कहा जाता है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का, और ये बार बार उसमें अपने रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट के पीछे की हकीकत तो दो आंकड़ों में ही अपने आप स्पष्ट हो जाती है। 1998-99 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो दिल्ली सरकार के जो स्कूल थे 12वीं में, उसमें 64% बच्चे पास हुआ करते थे 98 में। ये 64% बच्चे 2013-14 में, जब समझ लीजिए सरकार तो हमारी हारी है दिसंबर में, लेकिन आप समझ लीजिए 13-14 का जो रिजल्ट था 89% या 89% पहुँच गया था, मतलब 25% के करीब, 25% के करीब रिजल्ट हमारा बढ़ के आया। लेकिन आपने उस समय ना कोई मॉडल की बात सुनी होगी, ना ढिंढोरे की, ना बैंडबाजे की बात सुनी होगी, तो 89% तक पहुंचा था। अमूमन आप मानिए 15 साल में अगर 25% बढ़ता है तो 1.5% के करीब रिजल्ट हमारा हर साल बढ़ा करता था। और कोई भी सरकार उसके बाद आती तो हर साल 1.5% तो बढ़ना ही पड़ना था। वही आज हाल है, आज इनका 12वीं में 96% है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये कौन सा मॉडल है भाई कि 26% जब बढ़ता है तो मॉडल नहीं माना जाता है, और मुश्किल से 8% में रेंगते 7% बढ़ता है उसको आप मॉडल मान लेते हैं। और वही नहीं, 2013-14 में करीबन 160,000 बच्चों ने 12वीं का इम्तहान दिया था। वो अगर ये कोविड का साल ना लें जिसमें कुछ बच्चे बढ़े हैं प्राइवेट स्कूलों में, आज भी वो 160,000 है, तो कभी 150,000, 140,000, 145,000 के बच्चे सामान्यतः दिल्ली सरकार के स्कूलों में 12वीं का इम्तहान देते हैं। अभी तो आप मानेंगे कि 8 साल में, अगर 8 साल पहले 1.5 से 2 लाख बच्चे इम्तहान देते थे तो 2.5-3 लाख बच्चे तो कम से कम आने चाहिए थे ना उन स्कूलों में, जहाँ ये कहा जाता है कि न केवल दिल्ली सरकार के बच्चे तो रहते ही हैं, प्राइवेट स्कूल के बच्चे कूद कूद के दिल्ली सरकार के स्कूलों में भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ हमें कहानी विपरीत दिखती है। चलिए साहब, 12वीं में मुश्किल से ये वो गति रख पाए जो हमारी सरकारों ने 15 साल रखा था। पर अब आते हैं 10वीं पर, और जो लोग शिक्षा जानेंगे वो जानेंगे कि 10वीं जितनी यंग क्लास की होती है वो शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लासें होती हैं। 1998 में दिल्ली सरकार के बच्चे का जो पास परसेंटेज था 10वीं के बोर्ड इम्तहान में वो 34% था। यही 34% 2010, मैं आपको बताऊंगा मैं 2010 का आंकड़ा क्यों ले रहा हूं, 2010 में 34% का पास बढ़ के गया 89% पर, 88 से 89% पहुंचा, मतलब समझ लीजिए 55% के करीब नंबर बढ़े। और तब भी आपने पिटता हुआ ढोल नहीं सुना होगा कहीं, ना इश्तहारों में सीएम साहब को देखा होगा, ना हमारे बच्चों को झंडा लेते भागते देखा होगा, ना किसी विदेशी से आर्टिकल लिखते हुए पाए होंगे, ना उसके हमने इश्तहार पाए होंगे। 2010 के बाद यही आंकड़ा 89% से 99% पहुंचा, लेकिन हम वो 99% को केजरीवाल की तरह अपनी उपलब्धि इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि 2010 के बाद जब RTE आया तब 10वीं के बोर्ड इम्तहान ही खत्म हो गए और इंटरनल एग्जाम होने लगे, और इंटरनल एग्जाम में आप जानते हैं हर बच्चे को पास कर दिया जाता है,
जैसे पिछली साल केजरीवाल के भी दसवीं के रिजल्ट 98-99% थे क्योंकि इंटरनल थे। लेकिन जब आज से 3-4 साल पहले मोदी सरकार ने कहा कि नहीं दसवीं में भी बोर्ड इम्तहान होने चाहिए, तो सबसे पहले बार जब बोर्ड इम्तहान होता है दिल्ली का, तो केजरीवाल मॉडल के अंदर आप लोग अचंभित रह जाएंगे, दसवीं का पास परसेंट गिरता है 72% पर, उसके अगले साल 80% पर और इस साल 81% पर। अब ये आंकड़ा क्यों नहीं दिखाते भाई? ये 20% जो हमारे समय में 89% हो गया था, जो मेरे ख्याल से बढ़ के कम से कम 95-96-97% तो आज हो ही जाना चाहिए था, वो बढ़कर 80% पे आ जाता है। यानी 20% दिल्ली का बच्चा अपना भविष्य दसवीं में ही बर्बाद कर लेता है। और इसमें एक और आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूं, जिस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आप लोग तो सब जानते हैं, शिक्षा के बारे में जानते हैं, शिक्षा में एक नंबर होता है जिसको ड्रॉपआउट रेट कहा जाता है, मतलब एक कक्षा से जब दूसरी कक्षा में बच्चे जाते हैं तो उनकी संख्या में कितनी कमी आती है या कितने बढ़ते हैं। तो स्वयं दिल्ली सरकार के आंकड़े जो पार्लियामेंट के एक सवाल में पार्लियामेंट में भी प्रस्तुत किए गए थे, और उसके बाद किसी दिल्ली सरकार के मंत्री ने उस आंकड़ों पर सवाल नहीं खड़ा किया था, 9वीं से 10वीं जाने का जो ड्रॉपआउट रेट है वो 14-15% है। ये अभूतपूर्व है हिंदुस्तान में कहीं, और ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये जानकर मैं आपका सीधे सीधे इल्जाम लगाता हूं, जो बच्चे इनके सिस्टम में ये समझते हैं काबिल नहीं होते पास करने के, इनको ये 9वीं में ही रोक लेते हैं। तो माना जाए तो 80% आज भी पास नंबर नहीं है, अगर 9वीं के हिसाब से माने तो आज भी इनका पास परसेंट 65-70% है। अब इन दो आंकड़ों को अगर आप पास का ही ले लेंगे तो आप रंग रोगन कर लीजिए स्कूलों में, पेंटिंग कर लीजिए स्कूलों में, उनकी जितने फर्श हैं उसमें आप कालीन बिछा दीजिए, आप संगमरमर लगा लीजिए, आप एक की जगह 3 का पंखा डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमारे बच्चे पास नहीं हो रहे हैं। ये तो बात होती है जहां तक इनके रिजल्ट्स की बात आती है। और आप देखिएगा जब भी ये ढिंडोरा पीटते हैं कभी दसवीं का तो रिजल्ट बताने में ही ये लोग दूर भागते हैं, फिर आ जाते हैं साहब एनरोलमेंट में, क्योंकि हमने बार बार सुना है और मुख्यमंत्री ने अभी हाल में कहा कि साहब 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों के सरकारी स्कूलों में आ गए। आपने भी आंकड़ा सुना होगा, जगह जगह इसका ढोल भी पिटता है। हमें बड़ी रुचि हुई साहब, हमने कहा बहुत अच्छा यार, दिल्ली सरकार में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो दिल्ली सरकार में 8 लाख बच्चे पढ़ते थे, और जब शीला जी को आप लोगों ने हराया दिल्ली में तो 16,20,000 बच्चे पढ़ते थे, 4-5% पर एनम जो है बढ़ता चला जाता था। याद रखिएगा हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है 2.5%, बच्चे बढ़ते थे 5% के करीब। और अगर 5% का हम आंकड़ा मान लें कि 4-5% पे आमानता बढ़ता चला जाना चाहिए, तो इस समय करीबन 21-22 लाख बच्चे होने चाहिए थे दिल्ली सरकार के स्कूलों में, बल्कि ज्यादा, क्योंकि न केवल वो आ रहे हैं जो आ सकते थे, 2.5 लाख तो सरकारी प्राइवेट के भी बच्चे कूद कर आए हैं। लेकिन अगर केवल लास्ट ईयर का आप आंकड़ा ले लें, इस साल तो कोविड के कारण पूरे हिंदुस्तान में गवर्नमेंट सिस्टम में बच्चे बढ़े हैं, तो पिछले साल 15 लाख थे और इस साल 16,10,000 थे। अब ये कौन सा सिस्टम है भाई जिसमें 8 साल पहले से भी बच्चे कम हो जाते हैं, 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट से भी ज्वाइन कर लेते हैं फिर भी ओवरऑल बच्चे कम हो जाते हैं? मुझे तो ये आंकड़ा मेरी समझ से बाहर है, और इसलिए दिखता है कि सारी की सारी शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता केवल इश्तहार में और बैंडबाजे में है और कहीं नहीं है। नहीं तो कोई मुझे समझा दी दे कि जहां आज 21-22 लाख बच्चे होने चाहिए थे वहां 16 लाख बच्चे क्यों है, या 6 लाख बच्चे कहां चले गए? यही दसवीं के रिजल्ट्स का भी है, यही 12वीं के रिजल्ट्स का भी है, यही एनरोलमेंट का है। चलो साहब ये सब छोड़ देते हैं, और इनका जो शिक्षा का मॉडल है तो मैं इसको तो एक पुराना नाम देता हूं जिसको मैं ठेकेदारी का मॉडल कहता हूं। इनका सारा काम ठेकेदारी का और कुछ नहीं है। इन्होंने कहा साहब, आपको याद होगा इनके मैनिफेस्टो में कहा था 500 नए स्कूल हम बनाएंगे। चलो 500 नहीं बनते, उसका 10% बना देते। 15 साल जब कांग्रेस की सरकार थी हमने 142 नए स्कूल बनाए थे, नई बिल्डिंगें, नए प्लेग्राउंड, नई जमीनें। ये वो स्कूल नहीं थे कि इवनिंग के साथ मॉर्निंग के साथ इवनिंग जोड़ दिया तो उसे 2 स्कूल बना दिए। ये पूरे के पूरे 142 नए स्कूल बने थे इनके समय में। हमारे समय में 1006 स्कूल थे, आज 1026 स्कूल हैं। अब ये कौन सा क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया साहब? फिर ये दिखाते हैं कि हमने रंग रोगन बहुत सुंदर किया, बहुत अच्छे से हमने उसमें कलाकृति की, नए नए स्कूल बनाए, और 24,000-25,000 का ही आंकड़ा दिया करते थे कमरे का। वो तो बड़ा अच्छा लगा मुझे जब कल परसों टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा कि 24,000 तो छोड़िए, जब RTI से पता किया तो 7,000 कमरे, और 7,000 कमरों में भी जब पता चला तो पता चला कि 4,000 कमरे हैं,
क्योंकि इन्होंने टॉयलेट को भी कमरा दिखा दिया, प्रिंसिपल के दफ्तर को भी कमरा दिखा दिया। और ये इनकी पुरानी आदत है, ये कि क्या चीज़ क्या है, इसको क्या दिखाना, इसकी पुरानी आदत है। मैं एक दूसरे विषय को लेकर, इनकी ये जो आदत है ना, क्या चीज़ क्या है और उसको क्या दिखाने की, उसमें एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने दे देता हूँ। आप चाहोगे तो ये रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इनसे एक बार पार्लियामेंट में, इनके विधानसभा में पूछा गया, एक सेकेंड साहब, मैं मुझे वो लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, एक मिनट भैया, अगर आप इनसे विधानसभा में पूछा गया कि साहब ये भैया एक सेकंड अभी दिखाते हैं, विधानसभा में पूछा गया कि साहब कितने फ्लाईओवर और कितने ब्रिज जो हैं केजरीवाल साहब ने बनाए, अब कुछ तो दिखाना था। तो इन्होंने विधानसभा में जवाब दिया 24 का, और 24 की लिस्ट मैं आपके सामने पढ़ देता हूं, इसी से पता चल जाएगा कि इनकी पूरी जो जादूगरी है वो रिपोर्टिंग की कैसी है और हकीकत की कैसी है। एक लिस्ट ये देते हैं, ये लिस्ट मेरे सामने है, कोई चाहेगा तो इसको देख लीजिएगा। पहले 8 ही मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। एलिवेटेड रोड ओवर बारापुल्ला, अभी बारापुल्ला की कब बनी थी साहब, आपको याद होगा ये वही बारापुल्ला की जवाहरलाल नेहरू से सड़क थी जिसकी सीएजी की रिपोर्ट शीला जी के समय आ गई थी, जिसकी रिपोर्ट भी मैडम के समय आ गई, उसको ये क्लेम करते हैं कि इन्होंने बनाई थी। दूसरा आता है आश्रम से नोएडा के फ्लाईओवर में रैंप ए, आश्रम से नोएडा के फ्लाईओवर में रैंप बी, आश्रम और नोएडा के फ्लाईओवर में रैंप सी, रैंप डी, रैंप ई, रैंप एफ, रैंप जी। यानी अगर आपने घर में 3 जगह से सीढ़ियां बना दी तो ये कहेंगे 3 घर हैं हमारे पास, क्योंकि दक्षिण से भी चढ़ते हैं, उत्तर से भी चढ़ते हैं, पूरब से भी चढ़ते हैं। अब ये तो साहब इन्हीं की कहानियां हो सकती हैं। मैं मानता था कि साहब 19 का 20 हो जाता है, लेकिन 19 का 19,000 हो जाए, ये तो यही मॉडल हमको दिखाता है। ये तो रही इनकी शिक्षा की कहानी। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैं आपको इस बात से अपनी बात अंत करूंगा कि इन्होंने आज जो बताया है 7 से 8 हज़ार कमरों का, ये भी केवल जो काम कांग्रेस की सरकारों में हुआ करता था उसके ऊपर केवल इन्होंने लीपापोती की है। मैंने आपको रिजल्ट्स में बताया कि 12वीं के रिजल्ट्स हमारे समय के रिजल्ट से भी बदतर निकले। बच्चे आने तो जे स्कूल में, वो हमारे से कम से कम 8 या 9 लाख कम हो गए, 6 लाख कम हो गए। हमारी 10वीं में जो रिजल्ट्स आने थे वो तब से गिर गए, वो भी तब मैनेज कर पा रहे हैं जब बच्चों को स्कूलों से बाहर कर देते हैं या इम्तहान नहीं देने देते हैं। आज टीचरों में ये हाल है, जो बात करते थे कि हम नौकरियां दिया करते हैं, इन्हीं की आरटीआई से जो मेरे पास है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। कांग्रेस के समय में करीबन 7 या 8 हज़ार के करीब रिक्त पद थे हर पूरे स्कूलों में मिला के, टीजीटी और पीजीटी मिलाकर। आज कुल रिक्त पद जो हैं 20,000 हैं। आप समझ लीजिए 1,000 स्कूल हैं और 20,000 पद रिक्त हैं, मतलब हर स्कूल में 20 टीचरों की कमी है। ये तो ऑफिशियल डेटा है। उसके ऊपर प्रिंसिपल कितने कम हैं, करीबन 800 के करीब तो मैंने सुना प्रिंसिपल कम है, उसमें बाकी चीज़ें, उसमें तो मैं जाना ही नहीं चाहता। और जो बात मैं आखिरी में बताना चाह रहा था कि जो ये बार बार आपने देखा होगा तस्वीरें दिखाते हैं बहुत सुंदर स्कूलों की, तो मैं केवल 2007 से लेकर 11 के बीच में दिल्ली सरकारों में 12 से 14 हज़ार कमरों पर यह काम हुआ था। मैं कुछ की आपको तस्वीर दिखाता हूँ। बड़ी मुश्किल से ये तस्वीरें मिली, क्योंकि मुझे बड़ी दिक्कत थी कि ना मैं, ना उस समय के हमारी मुख्यमंत्री जी, ना हमारे मंत्री, ना हमारे कांग्रेसियों में ये जो सेल्फी कल्चर था ये था नहीं। नहीं तो हम भी काश जिस स्कूलों में जाते अगर सेल्फियाँ ले लिए होते तो हमारे पास भी ये फोटो होती। तो मैं आग्रह करूँगा, एक सेकेंड भैया जरा एक मिनट उसको चला देंगे। केवल मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान को भी दिखाना चाहता हूँ कि जिन कमरों की तस्वीरों को आप इसको उस पर डाल दो, अगला करिए भैया। देखिए ये भी इसी तरह की तस्वीरें दिखाते हैं, पुरानी बिल्डिंग है और नई बिल्डिंग है, ये बिल्कुल वही है जो तब भी वही होता था, आज भी वही होता। आगे चलिए, इसी तरीके का बदलाव, ये नए स्कूल उस समय भी बन रहे थे, आज भी वही बन रहे हैं। आगे चलते रहो भैया, ये बिफोर आफ्टर की तस्वीरें हैं, ये बिफोर आफ्टर की तस्वीरें हैं। मैं ये केवल आपको छोटा सा दर्पण देना चाहता हूँ, कम से कम 40-50 स्कूलों की जो बड़े मुश्किल से मुझे मिल पाई, वो तो मेरे पास संग्रह करके रखी हुई हैं। बाकी किसी को आवश्यकता हो एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप तस्वीरें ले लीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि ना इंफ्रास्ट्रक्चर में ये बेहतर कर पाए, ना रिजल्ट में ये बेहतर कर पाए, ना टीचरों में ये बेहतर कर पाए, ना गुणवत्ता में ये बेहतर कर पाए। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है, पहले से घटिया रिजल्ट एक शिक्षा प्रणाली का रहा है। कहने को पानी व्यवस्था में जो बर्बादी हुई है वो मैं अभी नहीं जाना चाहता, इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से दिल्ली और चरमरा रही है उसमें नहीं जाना चाहता।
हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट जो सुना है कि 12.5 लाख नौकरियां इन्होंने दी हैं, उसमें एक आंकड़ा मैं केवल आपके सामने बल्कि दो इंटरेस्टिंग आंकड़े बताता हूं। हमारे समय में 2014 में अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे में दिल्ली में 4.4% जो है अनएम्प्लॉयमेंट माना जाता था, यानी 25 लोगों में एक व्यक्ति जो है बेरोजगार हुआ करता था हर 25 में। आज का आंकड़ा, और ये कोविड के पहले का मैं बता रहा हूँ, समझ लेते हैं कोविड में बर्बादी हुई होगी, 11% था ये, मतलब हर 10वां बच्चा आज सड़क पर बेरोजगार घूम रहा है। तो कौन सी इन्होंने 12-12.5 लाख नौकरियां दी हैं वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इनसे जब हमारे एक मित्र ने RTI में पूछा कि साहब चाहे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ले लीजिए चाहे बाकी एक्सचेंज ले लीजिए, तो उसमें बताइए पिछले 8-9 साल में आपने कितनी नौकरियां मुहैया करवाई, तो मुझे RTI पे खुद विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि इतनी निकम्मी सरकार तो हिंदुस्तान में कहीं नहीं रही होगी, लेकिन फिगर आया 440 का। अब 12.5 लाख 440 कैसे हो गए? या तो हो सकता है कि RTI डिपार्टमेंट में, जैसे ये कहते हैं ना साहब, बाहर से मिली भगत हो गई होगी, एजेंट मिल गए होंगे, क्या होंगे वो यही जाने। मैं इसलिए आपके माध्यम से ये आग्रह जरूर करूँगा कि इनका शिक्षा का जो मॉडल है इस पर सवाल खड़ना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि खुदा ना करे, भगवान ना करे, और राज्य इस मॉडल को अगर अच्छा समझकर कॉपी करने लगे तो अच्छी खासी जो शिक्षा व्यवस्था इस देश के राज्यों में चल रही हैं वो कहीं दिल्ली जैसी बर्बाद ना हो जाए। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कृपया पूछिएगा। धन्यवाद। नहीं देखिए जी, मैं ये दिखा रहा था क्या हुआ, स्कूल जैसे थे हमारे समय में 140 के करीब नए स्कूल बने 15 साल में, ठीक है, मतलब समझ लीजिए अगर 1006 थे तो आप उसमें से 140 के, मतलब समझ लीजिए आप 850 के करीब स्कूल रहे होंगे, तो नए स्कूल तो बने ही बने थे, उसके साथ साथ पुराने बिल्डिंगों की मरम्मत करना, उनके कमरों को सुंदर करना, उसमें सुविधाएं देना, पंखे ठीक करना, बाथरूम ठीक करना, लेबोरेटरी ठीक करना, जहां टूटा टाटा था उसकी मरम्मत करना, जहां कई ऐसे स्कूल थे जो डेंजरस डिक्लेयर हो गए थे उनको ठीक करना। मेरा ये कहना है कि ये काम आज का नहीं है, ये काम कोई सिसोदिया ने या आतिशी जी ने या इन लोगों ने कोई नायाब काम नहीं किया, ये काम तो सबके सब पहले से चल रहे थे। यहाँ ये मैं मानता हूँ कि हमारे समय में 12-14 हज़ार के करीब कमरे ठीक हुए थे, इन्होंने एक आंकड़ा पब्लिक में फेंका था 24 हज़ार का, तो हो सकता, मैं कह रहा था भाई अच्छा है इन्होंने 10 हज़ार का और कमरे कर दिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से पता चला वो 10 हज़ार भी नहीं है बल्कि 4 हज़ार कमरे बन के रह गए। इसको दिखाने का मेरा ध्येय ये था कि कोई भी ऐसा मापदंड नहीं है शिक्षा का जिसमें ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों के आसपास भी आ सके हों, और अगर ऐसा है तो फिर मॉडल क्या है, फिर ये मॉडलिंग का मॉडल है, शिक्षा का मॉडल नहीं। देखिए मैंने आज से करीबन 3 महीने पहले निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन में सेक्शन 420 पर एक रिपोर्ट भेजी है केजरीवाल के ऊपर, पुलिस के IO 2 बार मेरे पास आ चुके हैं, और ये केवल इस पर नहीं है, मैंने उसमें ये लिखा है कि इस आदमी के झूठ बोलने का एक तरीका है, बल्कि वो अगर आप चाहें तो PWD की चिट्ठी भी मैं आपको दे सकता हूँ, उसमें मैंने शुरू से कहा, बल्कि क्योंकि जब आपने ये सवाल पूछ ही लिया तो आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने कई जगहों पर इश्तहार दिया, आर्टिकल लिखवाए कि तमाम फ्लाईओवरों पे इन्होंने दमादम पैसे बचाए थे, आपको याद होगा उन्होंने 8 या 10 फ्लाईओवर्स का आंकड़ा बहुत दिया है, वो अगर आप चाहें तो मैं आंकड़ा आपके सामने उसके तथ्य दे सकता हूं। मैंने वो पूरे 8 के 8 फ्लाईओवर पकड़े, उसमें इन्होंने ये कहा कि साहब शीला जी के समय में, जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक फ्लाईओवर है 402 करोड़ रुपया वो खर्च करना चाहती थी, मैंने उसको 280 करोड़ में बना दिया और 120 करोड़ में दिखाते हैं कि सत्येंद्र जैन जी, ईश्वर उनकी मेमोरी ठीक करे, जल्दी उनको ये आंकड़े फिर से याद आए, हो सकता है आंकड़ों की उनको दिक्कत तभी आ गई होगी इसलिए झूठ आंकड़े बोलने लगे होंगे, तो मेमोरी लॉस इसमें तो उन्होंने दिखाया ही दिखाया, बाकी वो क्या पुलिस को बोलते होंगे। हमने जब इसके आंकड़े पता किए तो ये हुआ कि DPR इस प्रोजेक्ट का, और ये आप मेरे सामने आंकड़े ले लीजिएगा, पूरे 8 या 9 प्रोजेक्ट्स का यही हाल है। DPR जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो 2012 में बनती है, 2012 में केवल ये इंडिया वहाँ बैठे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, कम से कम सरकार इनके हाथ में नहीं थी। जनवरी या फरवरी 2013 में कैबिनेट में एक टेक्नोलॉजी का रिवीजन होता है, फिर फरवरी मार्च अप्रैल जून इन 3-4 महीनों के अंदर 8 या 10 नए टेंडर होते हैं, तो जैसे जो 402 करोड़ का प्रोजेक्ट था
उसका टेंडर 280 करोड़ में होता है, जो 300 करोड़ का प्रोजेक्ट था उसका 240 करोड़ में होता है, और वही सेविंग जो है ये बताते हैं, एग्जैक्टली वही फिगर। तो टेक्नोलॉजी हमारे समय में बदली, टेंडरिंग हमारे समय में हुई, पैसे की बचत हमारे समय में हुई। तो मेरा ये कहना है कि जिस सरकार ने पैसे बचाए, अगर वो ईमानदार सरकार है, तो इसका मतलब है केजरीवाल जी खुला खुला कह रहे हैं कि दिल्ली की सबसे ईमानदार सरकार शीला जी की सरकार थी, उनकी नहीं। और बल्कि उसी लॉजिक से मैं दो आपको और आंकड़े दिखा सकता हूं जिसके मेरे पास कागज हैं। अब चाहो इस बंडल में जरा ढूंढना मुश्किल होगा, मैं उतना ऑर्गेनाइज नहीं हूं जितना आम आदमी है। इनके समय में 3 नए प्रोजेक्ट्स सैंक्शन होते हैं, एक है करीबन 960 करोड़ का, एक कोई 600 करोड़ का, और उसकी अगर आप पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर चले जाइए, 900 करोड़ के प्रोजेक्ट में आज भी 1330 करोड़ खर्च हो चुके हैं और वो स्टिल अनकंप्लीटेड है। ऐसे करके 3 प्रोजेक्ट है मेरे पास। तो अगर आप केजरीवाल की लॉजिक समझिए तो केजरीवाल खुले खुले कह रहे हैं कि शीला जी की ईमानदार सरकार थी और मेरी कट्टर बेईमान सरकार थी। अभी उनका शब्द है कट्टर का, ये उनके आंकड़े कह रहे हैं। बाकी ये कहना कुछ भी चाहें, लोग कुछ भी उसको इंटरप्रेट करना चाहें, वो तो साहब आपके ऊपर है। नहीं, आ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सिर्फ ये कहना है शिक्षा मॉडल बेहतर है। मैंने आपके सामने 3-4 आंकड़े प्रस्तुत किए, आप उसमें आंक लो ये शिक्षा मॉडल है या क्या है। भई अगर रिजल्ट गिर जाते हैं, अगर स्कूलों में बच्चे कम आते हैं, अगर जितने स्कूल बनाने चाहिए आप बना नहीं पाते हैं, टीचरों में कमी हो जाती है, आप साइंस नहीं पढ़ा पाते हैं, आप प्रिंसिपल्स नहीं दे पाते हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हो भाई? ये तो मुझे कोई सवाल कर देना। आखिरकार हम बच्चे किस लिए स्कूल भेज रहे हैं? कि सुंदर पंखे के नीचे बैठे वो, कि कमरा उसका लाल की जगह पीले रंग का हो जाए, कि उसके दो गड्ढे नहीं है, एक भी गड्ढा ना रहे कॉरिडोर में। और वो भी मैंने दिखाया, ये काम तो बल्कि उनके आने के 6-7 साल पहले से चल रहा था। हमने जितने कमरे किए उसमें केवल बढ़ोतरी करते चले गए हैं। वो तो स्वाभाविक है ना, कोई एक जो मोमेंटम भी तो होता ना सरकार के काम का। अगर आप यही बात करना चाहते तो एक और आंकड़ा मैं बोलकर खत्म करता हूं। आपने देखा होगा कई बार कहते हैं कि साहब मेरे मुनाफे की सरकार होती है, सुना होगा ना आपने। तो दिल्ली सरकार तो मुनाफे की 1995 से है भाई। एक आंकड़ा होता है इकोनॉमिक्स में जिसको रेवेन्यू सरप्लस कहते हैं, सीधा साधारण है, साल में हम कितना कमाते हैं और कितना हम खर्च करते हैं, जिसको रेवेन्यू सरप्लस कहा था, जिसके ये आंकड़े ये दिखाते हैं। 1995-96 से जब क्या नाम उनकी साहिब सिंह वर्मा जी की सरकार थी, उसके पहले मदन लाल जी की सरकार थी, तब से दिल्ली रेवेन्यू सरप्लस है। दिल्ली आज से रेवेन्यू सरप्लस नहीं है, वो दूसरी बात है कि ये पहला साल है जब दिल्ली रेवेन्यू में भी डेफिसिट में गया है, ये पहला साल है इसके इतिहास में। लेकिन और रेवेन्यू सरप्लस मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सरप्लस दिल्ली सरकार का अगर किसी साल में हुआ था तो 2010-11 में हुआ था, जहां कॉमनवेल्थ हुआ था जिस साल, 10,011 करोड़ का हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस था। आजकल कभी 6,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 7,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस होता है। और सरप्लस तो होगा ही ना साहब, हम अपने अधिकारियों की पेंशन नहीं देते हैं, वो भारत सरकार देती है। दिल्ली सरकार के अधिकारियों की भी भारत सरकार पेंशन देती है। हम पुलिस में पैसा नहीं खर्च करते, और जो 3 बहुत बड़े गड्ढे हैं और प्रदेशों में, एग्रीकल्चर पर हमारा 0 खर्च है, इरीगेशन पर हमारा 0 खर्च है, और रूरल डेवलपमेंट पर हमारा 0 खर्च है। जो खर्च ही नहीं होगा तो रेवेन्यू सरप्लस होगा ना। लेकिन 2 आंकड़े तो कभी आप इनसे पूछ लीजिएगा ना, कि जो DTC हमारे समय में 16-17 हज़ार करोड़ के नुकसान पर चलती थी, जब हमने बसें खरीदी, जब हमने बस स्टॉप ठीक किए, जब हमने CNG की प्रणाली लागू की, वो आज 40 हज़ार करोड़ के घाटे पे कैसे पहुंच गई है? बस आप खरीद नहीं पाए, ठीक है, आप तो ईमानदार सरकार भी हैं, तो आपके समय में 22-25 हज़ार करोड़ का नुकसान कैसे हो गया केवल 6-7 साल में, जब आपने काम कुछ नहीं किया? पैसा कहाँ जा रहा भाई? दूसरा, मैं दिल्ली जल बोर्ड की बात कर लेता हूं। दिल्ली जल बोर्ड का जब हमारी सरकार हटी थी तो पिछले 50-60 साल में दिल्ली बोर्ड का करीबन 18 हज़ार करोड़ का लॉस था, आज वो 60 हज़ार करोड़ पे है। अगर केवल आप DTC और दिल्ली जल बोर्ड को ले लीजिए तो 1,10,000 करोड़ के घाटे में दिल्ली सरकार चल रही है, 3.5 लाख करोड़ के घाटे पे पंजाब में त्राही हो रही है, जो हमसे समझ लीजिए डबल का स्टेट है, उसके आधे स्टेट में होके ऑलरेडी हम लोग 1,10,000 करोड़ के घाटे पे हैं। 8 या 10 साल में क्या होगा दिल्ली में, अब आप ही इमेजिन कर लीजिए।
वैसे साहब ये तो आप समझिए कि शेर भाग गया चूहा पकड़ रहे हो, मतलब 20 करोड़ तो दिल्ली जल बोर्ड में, अगर आप दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से कह दें कि उनकी सरकार ने 20 करोड़ का गबन किया तो हंसने लगेंगे, वहाँ तो 20 करोड़ का शायद दैनिक गबन होता है। मेरा ये कि मैं एलजी साहब से भी आग्रह करूँगा कि जिस तरीके की खबरें हमें कम से कम दिल्ली सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार की आ रही हैं, अगर गंभीरता से उस पर वो काम करते हैं तो 20 करोड़ क्या उसके इसके 10 गुना भी उनको उदाहरण मिल जाएंगे। अच्छा 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 हाँ हाँ वो विनीत जी कह रहे थे कि शायद वो जो हमने तस्वीरें दिखाई थी वो पहले और आफ्टर की हैं, और वो जो एंड का है वो 2011 की तस्वीरें हैं, ये 11-12 में बन गया था। ये जो मॉडर्नाइज तस्वीरें हैं ये आज की नहीं है, ये प्रोजेक्ट रूपांतर तो था 2007 से 2011 के बीच में चला था, और मेरे पास ये उसकी छोटी प्रस्तुति है, बाकी कई स्कूलों का मेरे पास है अगर आप लोग देखना चाहो तो। Actually, the thing that's happened is that when they've actually achieved almost nothing, and due to the fact that they could sell their model quite adequately, they've been able to display a picture of a very efficient and what they call India's best education model, then I don't think they really need to do any work. As I mentioned, you see, there's hardly any parameter in which Delhi's education model has been able to create even the most minute of milestones. The issue that you're raising of salaries is not only in schools, it's in colleges also today. There are about 8 to 10 colleges where salaries have not been paid for a very, very long time, right? They also went and promised that all teachers will be regularized. They did some regularization in Punjab, 8,000 people who were regularized as part of a much longer process that was going on for a long period of time. As I showed you that the number of TGT and PGT teachers which are not available, which is the shortage, has become almost 2.5 to 3 times what it was. And all this is because they are not able to spend money. The problem with the Delhi is that not only has it not performed, not only is it inefficient, it is mismanaging its finances. If I just show you a very simple figure, I didn't want to quote that figure here because that's not the purpose of today. We wanted to focus on education. But let's take the last 4 or 5 years of the rate at which taxes expanded in Delhi. And remember, I'm talking of 2009-10 to 2013-14. And this includes the 3 years when growth rates were very, very low across India in 2009-10, 2011-12, 2012-13. Right? This was an international depression which hit India much later. If you remember, growth rates from 7 to 8% had gone down to 4 to 5%. Okay? If you just take the average rate of growth of Delhi's finances and apply it on the Kejriwal model, and we take pre-COVID, I'm taking up to 2019, so I'm not even taking the COVID years, there's a revenue loss of 87,000 crores. It is the same revenue loss that CAG had called as corruption when it came to 2G. Will anybody ask Kejriwal this question, that if we had just grown at the average rates at which Delhi government had been taxing its people and the tax rates, we would have got 87,000 crores more today. That will answer half the question that you're asking. We'd actually been more efficient, been more honest in tax collection, and not pandered to all the various lobbies. See, Kejriwal has a very interesting thing. Right? He looks at everybody else's open declarations of lack of tax collection. He often points to the prime ministers and others, but does not get to the fact that his own government is not been collecting the kind of taxes which should be. Obviously, if 87,000 crores is what he has lost in 6 to 7 years, there has to be a scale of corruption that is perhaps unmatched in India. Thank you, sir.